अस्सलाम वालेकुम। तो फिर आज फिर मैं आपके लिए एक डेटा एंट्री की एक ऐसी साइट लेके आ गया हूं कि डेली का 20 से 30 डॉलर आप इजीली बना सकते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात आपके लिए होगी, ना ये अपवर्क है ना ही ये फाइवर है। मैं खुद देख रहा हूं कि डे बाय डे फाइवर पे कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है। आप आज अकाउंट फाइवर पे बनाते हैं, आपको 10 से 15 20 30 दिन महीना दो मंथ हो जाते हैं, समटाइम आपको ऑर्डर बिल्कुल नहीं आता, आप डिसहार्ट हो जाते हैं और आप उस काम को फ्रॉड समझ के स्कैम समझ के छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फाइवर पे इतने ज्यादा सेलर्स हो गए हैं, फाइवर ने अप्रूवल्स भी देना बंद किया हुआ है, उसके लिए आपको काफी जुगाड़ लगाने पड़ते हैं अप्रूवल्स के लिए भी, और कंपटीशन इतना इंक्रीज हो गया लेवल वन लेवल टू और न्यू सेलर्स को काफी टाइम लग जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि इंस्टेंट आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो मैं आपके लिए एक ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट लेके आया हूं जहां से आप डेटा एंट्री का काम, इवन कि आप ग्राफिक डिजाइनर है, वेब डिजाइनर है, वर्चुअल असिस्टेंट है, अमेज़न पे कोई भी स्किल आपको आती है आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। फुल टाइम भी आप जॉब कर सकते हैं, लाइक मंथली आप 50 से $700 कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और डेली बेसिक्स पे भी आप इजीली 10 से $20 आप इजीली कमा सकते हैं। मींस के आप महीने का 40-50 हजार पे तो कहीं पे भी नहीं गया। न्यू वेबसाइट है, बहुत से लोगों को नहीं पता इस साइट का कि इधर से अर्निंग कैसे करनी है। मैंने खुद ट्राई किया, मुझे वहां से मेरी पेमेंट जैस कैश में विड्रॉ हुई, इजी पैसा में विड्रॉ मैंने करके देखी कि ये वाकई ही अथेंटिक है या नहीं है। इसके अलावा मैं आपको इसका ट्रस्ट पायलट पे आपको इसका स्कोर भी चेक करवाऊंगा कि ये वाकई साइट अथेंटिक है या नहीं है, और इससे आप कितना मंथली इजीली कमा सकते हैं। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आप वीडियो को स्किप करते हैं आपको फिर समझ नहीं आती कि काम आपने कैसे करना है। बिल्कुल इजीली मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है और आपने अप्लाई कैसे करना है और आपने पेमेंट मेथड कैसे लगाना है, अपने जैस कैश में या फिर इजी पैसा में या बैंक में आप अपनी पेमेंट को किस तरह विड्रॉ कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपकी इस वीडियो में क्लियर करूंगा, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इसके अलावा माय नेम इज, जैसे जो कुछ लोग न्यू है नहीं पता, मेरा नाम उमर मलिक है और बेसिकली जो मेरी सर्विस मैं फाइवर पर प्रोवाइड करता हूँ वो बैकलिंक्स की है। उसका पूरा कंप्लीट कोर्स जूम की क्लासेस का भी और बैकलिंक्स की क्लासेस का भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। तो मेरी अब यही कोशिश है कि जल्द से जल्द आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए और आप इवन के 15 से $20 मतलब डेली का 6,000 रुपए, कम से कम 10,000 रुपए डेली का बना सके और अपने एक्सपेंस पूरे कर सके। चले अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ, देखते हैं ये कौन सी साइट और कितना इजीली कितना जल्दी आप कमा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपने जो टाइप करना है हबस्टॉफ, आपके पास दो साइट्स है, एक पे को हबस्टॉफ और एक को हबस्टॉफ टैलेंट। हबस्टॉफ जो साइट्स है वो पेड है, लेकिन हमने जाना है हबस्टॉफ टैलेंट पे, ठीक है। हबस्टॉफ टैलेंट पे आ जाना है आपने। इस पे आपने ये याद रखना है, इस पे डॉट नेट होगा, हबस्टॉफ टैलेंट डॉट नेट। डॉट कॉम पे आपने नहीं जाना, जो डॉट कॉम है वो पेड है, हमने हमेशा डॉट नेट पे ही अपने जॉब की सर्चिंग करनी है, ठीक है। इधर आने के बाद आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउजर जॉब लुकिंग फॉर ए वर्क लुकिंग टू हायर, मतलब आप इधर से हायर भी कर सकते हैं, लेकिन हमने तो हायरिंग नहीं करनी, हम तो ऑलरेडी जॉब की सर्च में, तो हमने इधर से जॉब को सर्च करना है। ये एक अथेंटिक साइट है और ऑलरेडी बहुत से लोग, पाकिस्तानी फ्रीलांसर, इंडियन फ्रीलांसर और हर कंट्री से बहुत से लोग इधर जॉब कर रहे हैं और अच्छी खासी पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं भी या नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है डाटा, कोई सजेस्ट भी कर सकता है एंट्री, मतलब आपकी स्किल डाटा एंट्री से रिलेटेड है। आपने यहाँ पे लिखना है लुकिंग फॉर अवर, मतलब आप जॉब की तलाश में है, आप जॉब दे नहीं रही इस टाइम, आप खुद जॉब की तलाश में है। ये देखें जी, सबसे पहले आपके सामने एक जॉब आ गई है जो $20 per hour $20 per hour मतलब पाकिस्तान के राउंड अबाउट 6,000 मिलते हैं डाटा एंट्री एसोसिएट, ठीक है। लेकिन ये रिमोटली जॉब है, आप रिमोटली जॉब का मतलब यही होता है कि आप घर से बैठ के इजीली जॉब कर सकते हैं, आपको वहां पे जॉब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट है, ये रिमोट जॉब है, लेकिन इसमें आप जब अपनी सीवी से अप्लाई करेंगे तो आपका फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपकी मंथली सैलरी फिक्स्ड होगी, लाइक वो $500 हो सकता है, मतलब पाकिस्तानी पीकर में $1.5 लाख या $2,000 $1,000 कम से कम यूएसए के मुताबिक। ये वर्चुअल असिस्टेंट $1,000 मतलब परमानेंट $1,000 रिमोटली जॉब, ये भी रिमोटली जॉब, मतलब घर बैठे कर सकते हैं, आपको वहां पे जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ये भी रिमोटली जॉब्स है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, कस्टमर सर्विस की आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है। इस जॉब पे आपको मिलेंगे $4 लाइक के आप दिन का नहीं, एक घंटे में $4 इजिली कमा सकते हैं अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करके और एक अच्छी खासी रकम बना सकते हैं। अगर आप दिन में 5 घंटे भी काम करते हैं तो आप राउंड अबाउट 4-5 या $20 बना लेते हैं, 6,000 रुपये एक दिन का इजीली कमा सकते हैं, $3 $4 $5
$200 ये रिमोटली जॉब है, ये आपकी फिक्स प्राइस एक हफ्ते का भी काम हो सकता है आपका, और राउंड अबाउट 15 दिन का भी आपको $200 मिल सकता है। अगर आपको 15 दिन का भी कोई $200 पे करे तो आपका 60,000 रुपए बनता है, ठीक है। इधर से आप अपनी जो भी अभी स्किल से रिलेटेड है, आपको हर तरह की जॉब्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। मैं चले आपको ये जॉब ओपन करके दिखाता हूँ, इसमें इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। वी आर सर्चिंग ए मेडिकल बिलिंग सर प्रोफेशनल हु इज keen to pick up important details to looking thrive a fast place growing environment। ये सबसे पहले आपको काम भी सिखाएंगे, आपको बताएंगे हमें इस चीज से रिलेटेड कम्युनिकेशन, डाटा कलेक्शन, डाटा मैनेजमेंट, डाटा एंट्री, इस चीज से रिलेटेड हमें कैंडिडेट या मीन्स किसी स्टूडेंट्स की जरूरत है जो हमारे इस काम को अंजाम दे सके, मीन्स के जल्दी से कर सके। क्योंकि ये बाहर से ज्यादा कंपनीज होती है, इनका यही होता है कि जैसे ही आप पिछला काम इनका प्रीवियस काम कंप्लीट करते हैं तो आपको ये नेक्स्ट जॉब दे देते हैं। तो वो आपको पहले आपको समझाते हैं कि आपने इस काम को ऐसे करना, आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी फिक्स सैलरी या रिमोटली जॉब होती है। अगर आप उनसे डेली का पे आउट लेना चाहें तो आपको डेली के पैसे आपको $20 के हिसाब से, अगर आप डेली में 4 घंटे काम करते हैं, कहते हैं जी हम 4 घंटे का डेली का $80 उन्होंने आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं। और जो भी आपकी स्किल रिलेटेड होगी, मतलब डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, डाटा एंट्री या डाटा कलेक्शन, वो आपको सिखा देंगे, ठीक है। कुछ जॉब्स में एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन जब आप इंटरव्यू में आप अपनी सीवी शो करते हैं उन्हें, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि मैं ऑलरेडी इस बारे में जानता हूं, तो आपके हायरिंग के चांस 100% इंक्रीज हो जाते हैं, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। इधर से बहुत से आपको मिलते हैं, मतलब फिक्स प्राइस पे जॉब करना चाहते हैं, अर्ली जॉब करना चाहते हैं, फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं सिर्फ मैं जिस कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ सिर्फ मेरी डाटा एंट्री की जॉब चाहिए, तो यहाँ पे वो सारी जॉब्स आ जाएंगे जो डाटा एंट्री से रिलेटेड होंगी। तो ये बहुत ही अच्छी और एक मजे की साइट से आपको घर बैठे ही जॉब ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने मुकम्मल अपनी सीवी को कैसे बनाना है, मतलब आपने जॉब पे कैसे अप्लाई करना है, अपने अकाउंट को सेटअप कैसे करना है, और आपको जल्द से जल्द जॉब कैसे मिल जाएगी, ठीक है। आपने इधर जाना है, साइन इन पे क्लिक करना है, साइन इन पे क्लिक करने के लिए आपके पास अकाउंट ऑलरेडी नहीं होगा, ठीक है। आपने यहाँ से डू यू हैव एन अकाउंट गेट स्टार्टेड, मतलब आप अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करने लगे। आपने यहाँ पर अपनी मेल देनी है, आपने इधर अपना फुल नाम लिखना है, अपनी मेल देनी है, मेल देने के बाद आपने पासवर्ड और फिर कंफर्म पासवर्ड कर, जैसे आप इसे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेल जाएगी, आपने उस मेल को वेरीफाई करना है, ठीक है। जैसे ही आप अपनी मेल को वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा, वो पूछेगा आप फ्रीलांसर हैं, कोई एजेंसी, फ्रीलांसर मींस कि आप एक सिंगल पर्सन है जो काम कर रहे हैं या आपकी एक बहुत बड़ी एजेंसी है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना, इतनी ज्यादा चीजें मुश्किल नहीं होती जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने जैसे यहाँ पे लिखा आई एम फ्रीलांसर, मतलब हम खुद जॉब के लिए हंट कर रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे नाम दे देना, नाम देने के बाद आप यहाँ पे नंबर देना आपने अपना, हम यहाँ से पाकिस्तान सर्च कर लेते हैं, मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ ये, ठीक है, फर्जी मैंने कोई भी नंबर दे दिया। आप अपना पूरा नाम लिखना, जिसमें मेरा नाम उमर मलिक, ठीक है। उसके बाद आपने आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लाजमी ऐड करनी, जिसमें मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करता हूँ, पाकिस्तान हो गया। आपने स्टेट लिख देनी है, पंजाब। आपने मुकम्मल अपनी एक प्रोफाइल ऑथेंटिक बनानी है, जो आपको प्रोफेशनल बनाया करता है कि आप एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर हैं। आपने अपनी तमाम डिटेल्स दी है, कंपनी सम टाइम होता है प्रॉब्लम होती है, कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट आपके नंबर पे भी कर सकती है, आपके पेमेंट का इशू या कोई जॉब का इशू हो सकता है, तो इसलिए आपने हर चीज ऑथेंटिक देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर आपने ऐसी देनी है जो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक हो, लाइक आप प्रोफेशनल लगे। आपने एक ऐसी प्रोफाइल बिल्कुल भी नहीं देनी जो आप बिल्कुल प्रोफेशनल ना लगे, उससे एक तो ये प्रॉब्लम होती है, क्लाइंट का ट्रस्ट लेवल आप पे कम होता है और वो आपको लाइक नहीं करता कि इसकी, तो इसे प्रोफाइल पिक्चर का ही नहीं पता इसने अपनी कैसे प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। यहाँ से मैं अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर लगा लेता हूँ, ठीक है जी, मैंने एक प्रोफाइल पिक्चर लगा ली है। यहाँ पे अपने स्पेशलिटी मीन्स कि आपकी कौन कौन सी स्किल है जिसमें आपको महारत है, मैं यहाँ पे डाटा एंट्री कर लेता हूँ। अब आपने यहाँ पे अपने बारे में अबाउट लिखना है, अपनी मीन्स लाइक के अपने फ्रीलांसर कैरियर के बारे में, कि मतलब आपको फ्रीलांसर में आपका कितना एक्सपीरियंस है। इसके लिए आपने जाना चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी पे जाके सिंपल आपने से कमांड देनी अपनी छोटी सी डाटा एंट्री से रिलेटेड 58 वर्ड्स की, और आपने यहाँ पे आके पुट कर देनी है। ले जी हम चैट जीपीटी से कहते हैं, जस्ट सिंपल सी आपने उसे छोटी सी कमांड, आप वो 50 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। जस्ट आपने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो आपने इसे थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेना। लैंग्वेज आपने इंग्लिश मस्ट ऐड करना है। उसके अलावा आपने यहाँ पे जर्मन क्लाइंट्स बहुत होते हैं यहाँ पे, आप समझ लोगे जर्मन में कैसे आप गूगल ट्रांसलेटर को यूज करके इजीली जर्मन क्लाइंट से बात कर सकते हैं। स्किल्स में आपने यहाँ पे जो जो आपकी स्किल्स है, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग जानते हैं या आप ग्राफिक डिजाइनर है या वेब डिजाइनर है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप अपना यहाँ पे
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड, या आप जस्ट यहाँ पे अपना डाटा एंट्री या डाटा स्क्रैपिंग, डाटा एंट्री, इन्हें एडजस्ट यहाँ पे कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शो कर देना है, कम से कम आपने राउंड अबाउट 2 ईयर्स का अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शो कर देना है, और यहाँ पे आपने $5 लिख देना है, मतलब $5, ठीक। ये सब चीजें कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अगर आपकी कोई कंपनी है या वेबसाइट्स है तो आपने उसे यहाँ पे ऐड कर देना, लेकिन नहीं है अगर आपकी कोई भी कंपनी कोई भी वेबसाइट नहीं है तो आपने जस्ट इसे सिंपली स्किप कर देना है, कोई इसमें मसले वाली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब वो कह रहा है जी आपके पास अपनी रिज्यूम होनी चाहिए, ठीक है। आपने अपनी एक सीवी जिसमें आपका एक्सपीरियंस मेंशन हो, आपकी पिक मेंशन हो, आपकी एजुकेशन हो, आपका मेल, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि क्लाइंट आपसे डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सके। आपके पास एक सीवी होना जरूरी है जो आपने जॉब पे अप्लाई करना है। उसके लिए सीवी बनाने के लिए सिंपल, कोई टेंशन कोई मसले वाली बात नहीं, आपने जस्ट अपने कैनवा में जाना है, कैनवा फ्री वाला, आप अपनी मेल से साइन अप कर सकते हैं। कैनवा में जाने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली लिखना है डाटा एंट्री, तो ये ऑलरेडी डाटा एंट्री से रिलेटेड कुछ सीवी के टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, आपने इन्हें रीराइट कर लेना और कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा काम है, रीराइट इन्हें कर लेना है। जैसे ये पिक है यहाँ पे, मैं अपनी पिक कोई अपलोड करके लगा देता हूं, अब इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी पिक लगा ली है, यहाँ पे मैं अपना नाम चेंज कर लेता हूँ, उमर मलिक। इसी तरह आपने अपना एड्रेस, फोन नंबर, एजुकेशन, स्किल्स सब कुछ चेंज कर लेना, ठीक है। और इस तरह आपकी सीवी सिर्फ 2 से 5 मिनट में ऑलरेडी जो प्री टेम्पलेट्स होते हैं आपकी सीवी बन जाएगी, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है सिंपली। ये जी पीडीएफ स्टैंडर्ड में आपकी सीवी डाउनलोड हो चुकी है। आपने इधर वापस आना है, आने के बाद यहां से अपने जहां पे आपने सीवी को डाउनलोड किया है, ये मेरी सीवी है, यहां से आपने सिंपली अपलोड कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना। ले जी आपकी पूरी प्रोफाइल सेटअप हो गई है। इधर और भी बहुत से जो लोग ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डाटा एंट्रीज की, डिफरेंट कंट्रीज, वो भी आपको नजर आ जाएंगे। आपकी बिल्कुल प्रोफाइल्स, ईच एंड एवरीथिंग रेडी हो गया। व्यू स्टैट्स पे आप देख सकते हैं, जब आपको लोग हायर करेंगे तो आपको पता चलेगा आप कितने वॉच और आपने काम कर लिया है, कितने घंटे में आपके कितने पैसे बन चुके हैं, सब कुछ आपकी डिटेल्स इधर आपको शो होंगी, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपकी अर्निंग से रिलेटेड। अर्निंग के लिए आप अपना जैस कैश, इजी पैसा, जब आपकी जॉब कंप्लीट होगी तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप वो पुट कर सकते हैं। बस सिंपली इधर जाके इसके बाद आपने जॉब्स पे अप्लाई करना है, जो भी रिमोटली जॉब्स होंगी। जैसे ही आपको जॉब्स मिलेगी, समझ लें आपकी किस्मत चमक गई। $25 एक और का दे रहे हैं, सिर्फ $25, सिर्फ और सिर्फ। आपने बस जॉब्स पे अप्लाई करते जाना है। उम्मीद करता हूं आपको इस साइट का पता चल गया हो कि hubstaff.net पे आपने जाके अपना, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने इस तरह अकाउंट क्रिएट कर लेना है, अपनी प्रोफाइल को सेटअप करना है, अपनी सीवी को ऐड करना है, और आपने फिर जॉब्स पे अप्लाई करना है। जैसे ही आपकी जॉब्स पे अप्लाई करेंगे, आपकी हायरिंग होगी, तो आपको कंपनी खुद कॉन्टैक्ट करेगी, आपकी प्रोफाइल्स पे आपकी सारी डिटेल्स होंगी कि आपने कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे नहीं काम करना, और इंशाल्लाह डेली के $20-$30-$50 पे अगर आप बना लेते हैं तो $15,000 बनता है घर में बैठ के रिमोट जॉब्स के थ्रू। तो बहुत ही इजी और आसान साइट है, अपवर फाइवर से बहुत ज्यादा कम कंपटीशन है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे अकाउंट बनाएंगे और आपको बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।